नमस्ते इंडिया, मैं हूं सोमेश माथुर। होममेड में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज की जो रेसिपी है वो वैसे तो है सैंडविच की, लेकिन हम इंडियंस को क्या है ना, देसी चीज़ें ज़्यादा पसंद है, इसलिए आज की रेसिपी है देसी अंदाज में एक सैंडविच की रेसिपी होममेड की तरफ से। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो सैंडविच बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे एक बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज जितना बारीक होगा उतना ही खाने में मज़ा आएगा। तो इसके बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे एक बारीक कटा हुआ टमाटर। इसके बाद इसके अंदर जाएगा 2 टेबलस्पून दही। दही का हमेशा ध्यान रखिए कि दही ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, वरना वो अच्छे से सब्जियों को कोट नहीं कर पाएगा, तो थोड़ा सा थिक होना बहुत ज़रूरी है। तो अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर और सॉल्ट स्वाद अनुसार। तो सॉल्ट ऐड करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून जीरा और फ्रेशली चॉप किया हुआ कोरिएंडर यानी धनिया। तो अब हम लेंगे 1 चम्मच और इन सभी को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि जो दही है वो सभी चीज़ों को अच्छी तरह से कोट कर दे, जिससे हमारा फ्लेवर और भी ज़्यादा अच्छे से आएगा। अच्छी तरह से इसको मिला लिया है हमने, तो अब हम इसे रखते हैं साइड में। इसके बाद अब हम लेंगे 2 ब्रेड स्लाइस। आप चाहें तो इन स्लाइस के ऊपर बटर भी लगा सकते हैं, बट ये है देसी अंदाज तो हम बटर नहीं लगाएंगे। तो हम हमारी स्टफिंग को इसके ऊपर ऐसे स्प्रेड करेंगे। अच्छी तरह से इसे स्प्रेड करना है चारों तरफ। अच्छी तरह से स्प्रेड करने के बाद इस तरह से हम इसे करेंगे कवर। तो अब हम इसे साइड में रखते हैं और हम यहाँ पर एक और ब्रेड स्लाइस लेंगे और सेम प्रोसीजर के साथ अब हम इसे वापस से स्टफिंग से अच्छी तरह से फिल कर देंगे। ये किया कवर और अब जैसे आप देख सकते हैं कि अच्छे से फिल हो चुका है। तो अब हम लेंगे एक तवा। इस सैंडविच को बनाने के लिए हमेशा तवे का ही यूज़ करें। तो इसके ऊपर मैंने डाला है देसी घी और इसको हम चारों तरफ अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे, क्योंकि इस सैंडविच को देसी घी में बनाने का ही मज़ा अलग है और उसका स्वाद बहुत ही अल्टीमेट होता है। तो अच्छी तरीके से घी को स्प्रेड कर लेंगे और अब हम हमारे सैंडविच को इस पर रख देते हैं। इसे मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरीके से कुक करें। तो अब मैं इसके ऊपर भी घी डाल देता हूँ और इसे अब हम चारों तरफ स्प्रेड कर देंगे। अब हम इसे पलट देते हैं क्योंकि अच्छे से एक साइड से कुक हो चुका है। तो ये हमने पलट दिया, तो आप देख सकते हैं कितना क्रिस्पी और अच्छे से कुक हो चुका है। सेम तरीके से दूसरे साइड से भी कुक करें, देन अब हम इसे निकाल देंगे। तो देख सकते हैं कितना क्रिस्पी और एकदम परफेक्टली कुक हुआ है हमारा सैंडविच। इसे कट करने के बाद लुक एट दिस। तो अब हमारा सैंडविच रेडी है। तो कैसी लगी रेसिपी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू इंडिया टू वॉच माई वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो प्रेस द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कीप वॉचिंग होममेड एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। थैंक यू।